कुछ हुआ था, कब बात हुई थी अंजलि से? मेरी परसों 9 बजे, परसों 9 बजे बात हुई थी। मैंने बेटा घर नहीं आ रही, कह रही मम्मी अभी काम खत्म नहीं हुआ, जब काम खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊंगी। कह रही मैं या तो सुबह तक आऊंगी या 3-4 बजे तक आ जाऊंगी, 4 बजे तक। मैंने ठीक है, फिर मैंने 10:30 बजे भी कॉल करा, फिर कॉल नहीं लगा, फिर उसका फोन ही स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ। फिर सवेरे 7 बजे भी कॉल करा, फिर भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर 7:30 बजे पुलिस वालों का कॉल आ गया, हाँ जी इस नंबर की गाड़ी तुम्हारी है। मैंने हाँ हमारी है। कह रहे एक्सीडेंट हो गया है, मैं सोची थोड़ा बहुत हो गया होगा। कह रहे आप इस थाने में आ जाओ। मैंने मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत खराब है। फिर कह रहे मैं गाड़ी भेज रहा हूँ कंजावला से। फिर गाड़ी आई, मुझे लेके गई, 2-3 घंटे घुमाते रहे घुमाते रहे, मगर मेरे बच्चे से नहीं मिलवाया। फिर सुल्तानपुरी थाने में लाके मुझे खड़ा कर दिया। फिर वहां भी सुबह से 3-4 बज गए, बोलते बोलते मैंने मुझे मेरी लड़की से मिलवा दो, चोट भी लगी है तो मैं तो देख तो लू कितनी लगी है, उसकी दवाई गोली तो करवा दू, मैं पट्टी वट्टी तो मैं खुद देख लेती हूँ, मैंने मैं खुद देख लूंगी कितनी चोट लगी है, दिखा तो दो। हाँ भी दिखाएंगे, हाँ भी मिलवाएंगे, मेरे को अभी तक मेरे बच्चे से नहीं मिलवाया। आपको कुछ अंजलि के बारे में नहीं बताया था, डेथ के बारे में? नहीं, डेथ के बारे में नहीं बताया। फिर मेरे भाई आया, फिर मैंने अपने भाई को बोला, मैंने भाई आना, कोई मेरी सुन नहीं रहा। मैं सुबह से 7 बजे से बैठी हुई हूँ थानों में, मगर कोई नहीं सुनना। जब फिर मैंने अपने भाई से बोला, जब वो आया, जब उसको किसी ने SHO ने बोला कि वो खत्म हो चुकी है, जब फिर मेरे भाई ने बोला बहन के इसने गाड़ी वाले ने मारा मुझे, तो मैं उसी गाड़ी के पास बैठी हूँ, मुझे ये नहीं पता मेरे बच्चे को इस गाड़ी ने मार दिया। मैं उधर ही बहुत देर तक बैठी रही, मगर मुझे किसी ने नहीं बताई कि इस गाड़ी वाले ने इनको कि मेरी बेटी को मार। मैं सुबह से 5 बजे तक अब थाने में बैठी रही, 4-5 बजे तक, मगर मेरी बेटी से अभी तक किसी ने मुझे मिलवाया तक नहीं है, ना दिखाई ना मिलवाई। अगर बॉडी तो देने की कह रहे हैं, शव का पोस्टमार्टम किया गया, कुछ अभी बताया? अभी कुछ नहीं बताया कि दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या पोस्टमार्टम होएगा या नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं बताया। और कोई पुलिस वाला आया नहीं है पूछने ताछने, कोई बातचीत करने, कुछ है, कोई नहीं आया। अंजलि क्या काम करती थी? अक्सर इसी तरीके से समय पर रात को आया करती थी? हाँ जी इसी समय से, कभी दिन में का काम होता था, कभी रात का काम क्या होता काम था। करती थी? इवेंट करती थी, शादी ब्याह में जाती थी वो। घर की कैसी स्थिति है? कितने लोग कमाने वाले थे? कोई हमारे घर में कमाने वाला नहीं है, मेरी अंजलि ही थी सिर्फ कमाने वाली, और कोई नहीं है। और 3 बहन भाई है उसके, और छोटे एक ही है भाई, एक ही है, और मैं हूँ, और मेरी अंजलि थी सिर्फ कमाने वाली, और कोई नहीं हमारे घर में। ये तो उसकी नानी का घर है, मैं तो यहाँ आई हुई, मेरा घर अलग। हम बात कर देख रहे थे, सुन रहे थे, सरकार की ओर से आश्वासन की बात कही जा रही है, बातचीत कर रहे हैं विधायक नेता, कुछ बात सामने आई है? मेरे को अभी कुछ नहीं सा, मेरे को कुछ नहीं पता। पुलिस का रवैया कैसा दिख रही है? मैं रवैया तो बहुत ही खराब है, यहाँ तक पुलिस आ रही है, छुपके छुपके देख रही है सिविल वर्दी में, और फिर उससे बातचीत करने को कर रहे हैं तो फिर भाग जा रही है। क्यों भाग रही है, क्या क्या वो है वजह है कि जो पुलिस वाले भाग रहे हैं मीडिया को देख के? पुलिस एक्सीडेंट का मामला बता रही है कि 5 लोग थे, गिरफ्तार हो चुके हैं। सर एक्सीडेंट था तो कपड़े चार चार पहन रहा है आज के जमाने में बच्चा, चाप हो चाहे कोई हो, 4-5 कपड़े पहन रहा है, ठंड इतनी है। उसके तन पे एक कपड़ा तक नहीं था। किस तरीके का एक्सीडेंट है? जैकेट भी पहनना कि उनने इनर भी पहनना कि टी शर्ट भी डालना कि किस तरीके का एक्सीडेंट है जो 4 कपड़े फट गए तन के, और पैंट वैंट जो अलग, जूते इतने मोटे मोटे पहन के गई थी ब्लैक कलर के।